नमस्कार, एटीएप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, चीन मुर्दाबाद और सुनील अमर रहे के लगे नारे। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए आज से नामांकन, सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों पर नहीं खोले पत्ते। प्रदेश कांग्रेस में विधान परिषद की एक सीट के लिए मारामारी, दावेदारों की संख्या 100 के पार, किसका होगा उद्धार। फोर लेन सड़क से जुड़ेंगे सभी जिला मुख्यालय, स्टेट हाईवे को भी किया जाएगा चौड़ा। अब खबरें विस्तार से। गलवान घाटी में चीनी जवानों के साथ झड़प में शहीद हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही गांव में पार्थिव शरीर पहुंचा तो हाथ में झंडा लिए सैकड़ों युवक नारा लगाने लगे। युवा नारा लगाते रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सुनील कुमार का नाम रहेगा। सुनील जिंदाबाद और चीन मुर्दाबाद के खूब नारे लगे। शहीद सुनील की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सबकी आंखें नम थी। आसपास के गांव के लोग भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच गए। सुनील के पार्थिव शरीर को देख पत्नी, माँ और परिवार के लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनके पैतृक गांव में कई पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। सुनील कुमार बिहटा के तारानगर के सिकरिया के रहने वाले थे। वर्तमान में उनका परिवार दानापुर में रह रहा है। बड़े भाई अनिल कुमार, जो कि खुद एक आर्मी जवान हैं, उन्होंने बताया कि देश के लिए मेरा भाई शहीद हुआ है, इस बात का हमें गर्व है, कहते ही वे रो पड़ते हैं। कहते हैं कि मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया था। मेरे आंखों के सामने वे हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने बताया कि मैंने खुद भाई को पढ़ाया लिखाया और 2002 में इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। सुनील कुमार अपने पीछे दो बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। आगामी 25 जून तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। बिहार विधान परिषद के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवारों पर अपना पत्ता नहीं खोला है। विधान परिषद की 9 सीटें विधानसभा में सभी दलों की ताकत के हिसाब से
भरी जाएंगी। विधानसभा के मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल को इस बार फायदा होने वाला है। आरजेडी अपने 3 सदस्यों को मौजूदा संख्या बल के आधार पर परिषद भेज सकती है। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एलजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा का भी इंतजार है, जबकि कांग्रेस से एक सीट पर अपना दावा रख रही है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए के अंदर सरगर्मी तेज है। दावेदार अपने सियासी हथियार का उपयोग करने में लगे हैं ताकि विधान परिषद में जाने का जुगाड़ फिट हो जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसा होता रहा है, न जाने किसके भाग्य कब खुल जाएं, लेकिन किसी किसी तरह दूसरे के भरोसे ताकत में आई कांग्रेस में स्थिति कुछ अजीब है। विधान परिषद की एक सीट के लिए दावेदारों की संख्या 100 पार कर गया है, मतलब नेताओं ने विधान परिषद की एक सीट के लिए सैकड़ों नेताओं ने अपना दावा ठोक दिया है। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार, वही हाल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। विधान परिषद की एक सीट के लिए दावेदारों की संख्या सैकड़ों में होने के बाबत जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता सदन जाने का योग्य है, लोकतंत्र में दावा करने का अधिकार सभी को है, अंतिम निर्णय आला कमान लेगा। उन्होंने यह भी बताया कि परिषद की सीट को लेकर अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है, समय आएगा तो विधान परिषद में किसे भेजा जाए इसकी जानकारी सबको दे दी जाएगी। सूबे के सभी जिला मुख्यालय 4-लेन सड़क से जुड़ेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि जिला मुख्यालय के लिए अभी 4-लेन सड़क की योजना नहीं है, वहां योजना बनाकर इसी साल काम शुरू किए जाएंगे। 4-लेन सड़क बनाने के पीछे सरकार की कोशिश है कि जिलों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिले और लोगों को जिला मुख्यालय में आने जाने में भी सुविधा हो। राज्य के 38 जिलों में से अभी 15 जिलों में होकर 4-लेन सड़क गुजरती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 9 और जिलों में 4-लेन सड़क बनाने पर काम चल रहा है, यानी कुल 24 जिलों को 4-लेन सड़क से जोड़ने की योजना है। लेकिन अभी भी 1/3 से अधिक यानी 14 जिला मुख्यालय 4-लेन सड़क से वंचित है। पथ निर्माण विभाग इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है कि सभी जिला मुख्यालयों में अनिवार्य रूप से 4-लेन सड़क गुजरे। इसके लिए जरूरत हुई तो बिहार सरकार केंद्र से भी सहायता लेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून को लॉन्च करेगी। इस अभियान के दौरान लॉकडाउन में अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक यह अभियान चलेगा।
अभियान के सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। बता दें, इससे पहले मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 42 करोड़ गरीब को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा चुकी है। सरकार ने कमजोर तबकों को कोरोना संकट से राहत देने के लिए 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज में गरीबों को मुफ्त अनाज और महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों तथा अन्य को नकद सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। कुशल वाहन चलान परीक्षण के लिए जिलों में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। वाहन चलाने से पहले वाहन चालकों को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के ट्रैक पर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सिमुलेटर आधारित ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के ट्रेनिंग स्कूल मानक के अनुरूप होंगे, जिसमें MLV श्रेणी के वाहन ट्रेनिंग से संबंधित सभी तरह के आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से युक्त होगा। राज्य में अभी सभी संचालित वैध ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालकों के साथ 19 जून को परिवहन विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग कुल 16 जिलों में 26 वैध ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं। जिन जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, वहां ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सियासी गलियारे में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। बिहार के 2 पूर्व सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है तो दूसरे को दिल्ली एम्स में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और बांका के पूर्व सांसद पुतुल कुमारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह को प्रारंभिक जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी है। मंगलवार रात्रि सांस लेने में तकलीफ के बाद राजद नेता रघुवंश प्रसाद को पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। जाँच के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि रघुवंश प्रसाद निमोनिया से भी पीड़ित हैं, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह का सैंपल कोरोना जांच के लिए मंगलवार देर रात्रि भेजा गया था। उधर बांका से सांसद रह चुकी पुतुल कुमारी दिल्ली स्थित अपने आवास पर तबीयत खराब की शिकायत की थी। उन्हें बुखार आ रहा था। कोरोना संक्रमण का संदेह होने पर बुधवार को दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। जाँच की गई तो वे कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद पूर्व सांसद पुतुल कुमारी को एम्स के ही आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन लॉ लाइब्रेरीज द्वारा 19 जून को लीगल एजुकेशन पेडारोगी एंड रोल ऑफ ई लर्निंग टूल्स इन पोस्ट कोविड-19 पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश के नामचीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति अपने अपने विचार रखेंगे। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की कुलपति जस्टिस श्रीमती मृदुला मिश्रा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकादमी आसाम के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर J.S. पाटिल, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर S. शांता कुमार शामिल होंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान। बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर
यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार इन दिनों कई जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद वो अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज JJP अध्यक्ष आशुतोष दरभंगा पहुँचे, जहाँ उन्होंने दरगाह कमेटी, ख्वाजा साहब ट्रस्ट एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हैदर आजम के पिता मोहम्मद फारूक आजम मुलाकात की। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सदस्य मोहम्मद फारूक आजम के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पार्टी को मजबूत बनाने सहित कई रणनीतियों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प में भारत के लाल वीरगति को प्राप्त हुए 20 जवानों की शहादत, पूरे देश में चीन के कायराना हरकत को लेकर आक्रोश व्याप्त है, जहां पूरे देश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार किया है। वहीं पटना साहिब आम आदमी पार्टी द्वारा कुरुहट्टा इलाके में जवानों की शहादत पर एक शाम शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। वहीं चीन के कायराना हरकत पर राष्ट्रपति जिनपिंग का फोटो जलाकर चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार किया है। जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि यह न्यू इंडिया है और छुपकर वार करने वालों के सामने से सीने पर वार कर बदला लेगा। चीन के द्वारा हमले को लेकर 20 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। 5 जवान बिहार के हैं, जिसको लेकर बिहार में कहीं ना कहीं गुस्सा है। बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से पटना के कारगिल चौक पर श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई कि चीन पर हमला किया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए और चीन की सेना को जवाब दिया जाए। मैं अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग के पास श्रद्धांजलि के सिवा और कुछ है, रह नहीं जाता है। लेकिन दुख की बात है कि विदेश नीति क्या, भारत में तो कोई नीति ही दिखती नहीं है। जब आज इतना बड़ा कोरोना से महामारी आया तो कोई नज़र नहीं आए। आज जब चुनाव का बिहार में तो सब लोग पर्चा बांटते नज़र आ रहे हैं, तो सबसे तो हम यहीं पर फेल हो रहे हैं। और इतनी बड़ी, ये सिर्फ 20 शहीद नहीं हुए हैं, वो 20 घर वाले भी शहीद हुए हैं। जो इनके परिवार के लोग थे वो भी शहीद हुए, उनके घर का एक वीर सपूत चला गया है। तो डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री जी आगे आए, ये राजनीति का नहीं, ये इन शहीदों के लिए शहादत का दिन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।